वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी अब बच्चों के लिए करा रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं जिस टॉपिक से वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम कई सारे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो एच एल आहूजा सर की बुक यूज़ कर रहे हैं, तो लगभग 700-750 पेज की बुक है, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा बच्चों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा हम क्वार्ट्स वालिस की बुक भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको अपने हिसाब से भी कुछ लेसन्स बनाएंगे। तो ये लेसन नंबर 1 है जिसका हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। आप चाहे तो लेसन प्लान समझ सकते हो, आप चाहे तो इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन नंबर 1 समझ सकते हो। तो बेसिकली हम आपको हर चैप्टर के बारे में बताएंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर कराने वाले हैं अलग अलग चैप्टर्स में। तो बच्चों इसमें से कुछ वीडियो तो आपको YouTube पे मिल जाएंगी, पर सारी वीडियो YouTube पे नहीं मिलेंगी, तो आप हमारा कोर्स को बाय कर लीजिएगा अगर आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है। तो जैसा कि आप अपने साइड स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, अब इसमें जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं, मतलब हम आपको बेसिकली बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है हाउ टू मेक इकोनॉमिक डायग्राम, यानी कि हम इसमें बताएंगे कि इकोनॉमिक्स का जो डायग्राम है, क्योंकि देखिए कई बार बच्चों के सामने ये दिक्कत आती है कि स्लोप कैसे बनता है। कभी आप देखोगे तो वो अपवर्ड होता है, कभी डाउनवर्ड होता है, कभी कॉनकेव होता है, कभी कॉन्वेक्स होता है, तो बड़ी कन्फ्यूजन है। तो पहले वीडियो में हम बच्चों के साथ ये सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी वीडियो में बच्चों मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, तो चार डेफिनेशन मेनली मानी जाती हैं, ठीक है, तो चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस दूसरी वीडियो में। यानी कि जो हमारी वेल्थ की डेफिनेशन है, ठीक है, स्केयरसिटी की डेफिनेशन है, कल्याणकारी डेफिनेशंस हैं, स्केयरसिटी डेफिनेशंस हैं, तो ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं उनको हम सेकंड नंबर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, तो माइक्रो और मैक्रो के बारे में हम आपको तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम समझाएंगे कि जो इकोनॉमिक्स का नेचर है वो कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार नॉर्मेटिव होता है, यानी कि कई बार आप तथ्यों की जांच कर सकते हो, कई बार आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो तो वो पॉजिटिव हुआ, और वेरीफाई नहीं कर सकते हो फैक्ट्स को तो वो नॉर्मेटिव हुआ, यानी कि कुछ सजेशन भी इकोनॉमिक्स देता है। तो इकोनॉमिक्स केवल समस्या नहीं बताता बल्कि समस्या का समाधान भी करता है, इसलिए इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की श्रेणी में भी रखा जाता है। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों हम। इसके अलावा डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड भी होता है, यानी कि मुश्किल से आसान पे पहुंचना, आसान से मुश्किल पे आना, तो ये दोनों तरीके हैं जिसको हम आगे रहने वाले वक्त में करेंगे। इसके अलावा बच्चों चॉइस एंड स्केयरसिटी, देखिए जितनी भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है सबकी वजह है स्केयरसिटी एंड चॉइस, यानी कि अगर स्केयरसिटी और चॉइस नहीं होती तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होती। आप देखिएगा कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसमें आपको चॉइस करनी पड़ती है, कोई भी देश हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्केयरसिटी और चॉइस की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसका सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि हर समय हर देश के सामने ये समस्या आती है। इसके अलावा बच्चों देश के सामने जो समस्या आती है उसको सेंट्रल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा हमारे को जो रिसोर्सेज हैं उनको फुल यूटिलाइज भी करना है, ग्रोथ एंड जो देश में ग्रोथ है वो भी करनी है, तो ये सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, इन पे सब पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों आगे। इसके अलावा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, क्योंकि देखिए अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं गिवन रिसोर्सेज में आप कितना आउटपुट करोगे इसकी एक लिमिट है, ठीक है, उस लिमिट को ये बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों इस वीडियो में। साथ ही साथ हम आपको समझाएंगे कि पीपीसी कर्व कब शिफ्ट होता है, कब रोटेट होता है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और एक अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे का मतलब है क्या हुआ कि किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को छोड़ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको देखिए दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। आपको अगर जैसे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ सपोज कीजिए, तो ये मैं उस समय को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जो मैं टीवी देखने में या मनोरंजन करने में यूज़ कर सकता था, इसका मतलब मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने टीवी देखने को या मनोरंजन करने को या फैमिली टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन मैं 24 घंटे तो वीडियो नहीं बना सकता। तो यहाँ पर हमें यही समझना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पूरे कंसेप्ट में, किस तरीके से हम ट्रेड ऑफ करते हैं दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज इकोनॉमिक सेंट्रलाइज मार्केट सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मार्केट सिस्टम होता है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ये पूरी की पूरी 10 वीडियो हम इस चैप्टर में बनाने वाले हैं, तो टोटल मिलाकर अभी तो मैं नहीं बता सकता, मुझे उम्मीद है कि 25 के करीब चैप्टर बनेंगे।
तो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में मुझे लगता है कि केवल माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग 250 से 300 वीडियो करीब हमें बननी चाहिए। तो काफी ब्रॉड हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कराएंगे बच्चों। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी जो क्वालिटी जो आप जो वास्तव में आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि देखिए कंटेंट क्वालिटी जरूरी है, मैं समझ सकता हूं आप बच्चों की, क्योंकि तभी जस्टिस हो पाएगा आप बच्चों के साथ में। क्योंकि अगर आपको कंटेंट क्वालिटी में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो बड़ा मुश्किल होगा बच्चों के लिए। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कंटेंट की क्वालिटी बहुत जबरदस्त तरीके से रखी जाएगी। काफ़ी सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो बच्चों इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जो क्लासेस हैं उसको स्टार्ट कीजिए। तो ये सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यानी कि मैं कोर्स कंटेंट क्रिएट करता हूं और आपको एक तरीके से ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये बच्चों अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।